हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मेरे पास अनबॉक्सिंग करने के लिए डायनोरा की ब्रांडिंग के साथ आने वाला रगेड वायरलेस पोर्टेबल स्पीकर है, जो काफ़ी अच्छी वायरलेस पोर्टेबल स्पीकर है। किसी भी तरीके से यूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं आने वाला, तो इसी की अनबॉक्सिंग वगैरह करूँगा। एडजेट फीचर्स एंड प्राइस वगैरह बताऊँगा, अरे बताऊँगा क्या इस प्राइस में इस वायरलेस पोर्टेबल स्पीकर को आपको परचेजिंग वगैरह करना चाहिए कि नहीं। चलिए फिर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दो, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली, तो लाइक वगैरह नहीं किया तो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर दीजिए, उसके बगल में बेल आइकन को उसे भी इनेबल कर दीजिए, ताकि ऐसे कुछ कमाल की इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहती है उसे अपने फ़ोन पर सबसे पहले देख पाए। तो चलिए फिर दोस्तों बॉक्स पैकिंग की बात करते, देख सकते हैं डायनोरा की ब्रांडिंग की गई है। यहाँ पर आपको DYVT601 इसकी लिस्ट का मॉडल नंबर है। स्पीकर काफ़ी देखने में सही से लग रहा है, बॉक्स पैकिंग तो काफ़ी सिंपल सी है। तो फटाफट ओपन वगैरह करते हैं और देखते हैं स्पीकर के साथ और क्या क्या ब्रांड साथ में देता है या कुछ नहीं। तो सबसे पहले रखा हुआ मिल जाता है तो यूजर मैनुअल रखा हुआ मिल जाता है, और यहाँ पर आपको कार्ड वगैरह मिल जाता है, जिसके लिए यहाँ पर भी डिटेल वगैरह मिल जाएगा, तो इंस्ट्रक्शन कार्ड वगैरह मिल जाएगा कैसे कैसे यूज करना है। तो फुल सपोर्ट करता है ब्रांड, फुल आपको हर चीज़ देता है, जिसमें कोई दिक्कत वगैरह नहीं आने वाली। और ये दोस्तों हमारा वायरलेस पोर्टेबल स्पीकर, जो काफ़ी सही सा कलर में देखने को मिल लग रहा है, ब्लैक एंड येलो है। और ये यहाँ पे आपको 1 ईयर की वारंटी कार्ड मिल जाती है, जिसमें बताया गया कि 1 ईयर की वारंटी कार्ड वगैरह है, तो 1 साल की इसमें वारंटी वगैरह मिलती है। और ये छोटा सा डब्बी दिया गया, जिसमें देखते हैं क्या है। तो ओपन करते हैं इसको, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इसमें दोस्तों यूएसबी टू माइक्रो यूएसबी केबल है, ऑक्स केबल है, तो इससे इसको यूज कर सकते हैं। तो इन सबको साइड में रखते हैं। तो ये दोस्तों डायनोरा की ब्रांडिंग के साथ आने वाला रगेड वायरलेस पोर्टेबल स्पीकर, जिसकी सबसे पहले कलर एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो कलर तो देख पा रहेंगे फुल्ली मेट ब्लैक है। आगे यहाँ पे आपको येलो का टेक्सचर दिया गया, तो देखने में ब्लैक एंड येलो का कॉम्बिनेशन है, काफ़ी सही लग रहा है। और भी कलर ऑप्शन अवेलेबल है, लिंक दे दूँगा, वहाँ जाकर चेक वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डायनोरा की ब्रांडिंग की गई है। बिल्कुल ठीक बात करूँ तो बिल्कुल ठीक देख के लग रहा है आपको कि फुल्ली काफ़ी मजबूत होने वाला है। जहाँ पर आपको रगेड वायरलेस पोर्टेबल स्पीकर तो है ही, तो काफ़ी अच्छे से यूज वगैरह कर सकते हैं दोस्तों। अब कैंपिंग वगैरह करते हैं, रगेड वगैरह इस तरीके से यूज करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कभी गिर वगैरह भी जाता है 5-7 फीट से, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, काफ़ी मजबूत बिल्ड क्वालिटी के साथ आपको मिलने वाला है। जहाँ पे आपको 2 यहाँ पे आउटपुट स्पीकर वगैरह दिया गया है, यहाँ पे आपको नीचे पैडिंग के लिए दिया गया, तो पैडिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दोस्तों स्ट्रैप दिया गया, तो कैरी भी कर सकते हैं, तो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं आने वाली। बैक साइड की बात करूँ तो बैक साइड में आपको पोर्ट्स वगैरह मिल जाएंगे, जहाँ पे ऑन ऑफ बटन मैनुअली मिल जाएंगे, माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिल जाएगा, यूएसबी पोर्ट मिल जाएगा, और ऑक्स केबल का ऑप्शन मिल जाएगा, मेमोरी कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो मल्टीपल ऑप्शन मिलने वाला है। बिल्ट इन एफएम भी है, तो एफएम वगैरह भी लगाकर इस गाने वगैरह सुन सकते हैं। तो ऑप्शन के मामले में आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। जहाँ पे आपको जिसके लिए यहाँ पे आपको ए टू जेड मोड बटन मिल जाएगा, ऑन ऑफ बटन वगैरह तो बैक साइड मिल जाएगा, यहाँ पे आपको कॉलिंग के लिए मिल जाएगा, तो बिल्ट इन माइक है तो कॉलिंग वगैरह ले सकते हैं, तो यहीं से आपको इसको कंट्रोल वगैरह कर सकते हैं, तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत वगैरह नहीं आने वाली। काफ़ी अच्छे से फंक्शनल वगैरह करके ए टू जेड आसानी से कंट्रोल वगैरह कर सकते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो। अब इसके दोस्तों फीचर्स की बात करूँ तो फीचर्स में सबसे पहले बैटरी की बात करूँ तो 1200 एमएएच की इसमें बैटरी वगैरह दी है, इसको एक बार फुल चार्ज करने में 2.5 घंटे का आसपास लगेगा। लेकिन अब एक बार फुल चार्ज करेंगे तो बैटरी लाइफ की बात करूँ दोस्तों 5 से 6 घंटे का आसपास मिल जाएगा। अगर फुल साउंड पे गाने वगैरह सुनते हैं तो मेरे हिसाब से प्राइजिंग के हिसाब से बैटरी लाइफ तो कम है, लेकिन बैटरी लाइफ ज़्यादा कम भी नहीं है, अपने हिसाब से यूज वगैरह कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा बैटरी लाइफ ज़्यादा होता तो काफ़ी अच्छी बात होती। उसके बाद बात करूँ कनेक्टिविटी की दोस्तों, तो 5.0 का कनेक्टिविटी दिया गया, 10 मीटर रेंज मिल जाएगा। इसमें आपको फास्ट पैरिंग का सपोर्ट वगैरह नहीं मिलता, आसानी से स्लो पैरिंग वगैरह होगा, लेकिन एक बार पैरिंग वगैरह कर लेंगे, कनेक्ट वगैरह कर लेंगे, तो गाना सुनने में इसके लिए 1 हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, को अच्छे से यूज वगैरह कर पाएंगे, कॉलिंग वगैरह भी आसानी से ले पाएंगे। उसके बाद बात करूँ दोस्तों साउंड क्वालिटी वगैरह की बात करूँ तो इसमें आपको दोस्तों 2 ड्राइवर्स वगैरह दिया गया, जिसमें आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग इसमें आपको ऑप्शन मिलता है, जिसमें 1 3 वॉट का है, 1 2 वॉट का है, तो टोटल जो आउटपुट वगैरह मिलेगा 5 वॉट का आसपास मिलेगा। तो मेरे हिसाब से इस तरह के कॉम्बिनेशन वायरलेस पोर्टेबल स्पीकर मैंने पहली बार देखा, 3 3 वॉट होता है या 2 2 वॉट होता है, लेकिन 3 और 2 वॉट का कॉम्बिनेशन मिलता है, तो इसमें भी आप काफ़ी अच्छे से आउटपुट वगैरह ले पाएंगे। क्वालिटी वगैरह काफ़ी सही है, प्राइजिंग के हिसाब से बात करूँ तो मैंने काफ़ी सही गाने वगैरह सुनते हैं, लाउडनेस वगैरह काफ़ी सही है। तो थोड़ा सा दोस्तों मैं साउंड क्वालिटी आपको सुनाता हूँ, फिर थोड़ी बहुत आप भी जज वगैरह कर पाएंगे, क्योंकि मैं तो एक वीक सुन रहा हूँ तो मुझे थोड़ा आइडिया हो गया, लेकिन आपको भी थोड़ा बहुत सुनाता हूँ, फिर साउंड क्वालिटी पर डिटेलिंग में बात वगैरह करते हैं। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the waste. तो
चलिए फिर दोस्तों साउंड क्वालिटी तो आपको सुना दे, उम्मीद करता हूँ थोड़ी बहुत साउंड क्वालिटी आप भी जज वगैरह कर पाएंगे। मैं पर्सनली बात करूँ साउंड क्वालिटी की दोस्तों जैसे बताऊँ 5 वोल्ट का आउटपुट स्पीकर बताया गया, तो उसकी सबसे लाउडनेस की बात करूँ सबसे पहले तो नेक्स्ट लेवल मिलेगा। लाउडनेस के मामले में आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, लगेगा नहीं आपको 5 वोल्ट का वायरलेस पोर्टेबल यूज वगैरह कर रहे हैं, स्पीकर वगैरह यूज कर रहे हैं, लाउडनेस वगैरह नेक्स्ट लेवल आपको मिलेगा। उसके बाद बात करूँ साउंड क्वालिटी की दोस्तों, साउंड की क्वालिटी प्राइसिंग के हिसाब से ठीक ठाक मिल जाएगा, अच्छी नहीं मिलेगा, बेस वगैरह उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन ठीक ठाक लेवल में मिल जाएगा। 800 रुपये का आसपास प्राइसिंग है, तो उसके हिसाब से बात करूँ दोस्तों तो सही चीज़ें मिल जाएगी। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इसके डिजाइन वगैरह की बात करूँ, बिल्ड क्वालिटी वगैरह की बात करूँ, तो उसके हिसाब से प्राइस काफ़ी जस्टिफाई वगैरह करता है, लेकिन खाली वायरलेस पोर्टेबल स्पीकर के हिसाब से देखेंगे तो उतना सेट जस्टिफाई वगैरह नहीं करता। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए चाहिए तो परचेज कर सकते हैं, दिखने में काफ़ी लुक वाइज सही है, परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक निकाल के दे देता। तो चलिए फिर दोस्तों 1 ईयर की वारंटी वगैरह भी आपको मिल जाएगा। तो परचेज वगैरह करना चाहिए तो अमेजोन पर लिस्टेड है, वहाँ से मैंने परचेज वगैरह किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दे दूंगा, फ्लिपकार्ट से भी जाकर परचेज कर सकते हैं, तो जहाँ से जाएंगे वहाँ से परचेज वगैरह कर सकते हैं, लिंक दोनों जगह का आपको मिल जाएगा। तो चलिए फिर दोस्तों आज के लिए इतना, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और भी वायरलेस पोर्टेबल स्पीकर की मैंने बहुत सारी अनबॉक्सिंग की है, अगर ये पसंद नहीं है तो वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट दे दूंगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, अगर ये पसंद आ रहा है तो इसको परचेज कीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक नहीं किया दोस्तों तो इंतजार मत कीजिए, फटाफट सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक करके बने रहिए। तो चलिए फिर दोस्तों आज के लिए इतना था, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।